आगे ना जाना। आगे मत बढ़ो। ए सुबह 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 आप लोगों ने मना कर दिया प्लीज बैठो मत कीजिए ना अरे क्या अभिषेक तक के अनुसंधान में ये पता चला है कि वो मूल रूप से पाकिस्तान की है, लेकिन अब उन्होंने पाकिस्तान की नागरिकता छोड़कर यूएस की सिटीजनशिप ली है। यूएस की ही डॉक्यूमेंट्स पे वहीं के पासपोर्ट वीज़ा से वो यहाँ इंडिया ट्रैवल करती है और नेपाल की कंट्री ट्रैवल करती है, जो अभी तक पता चला है। तो पूर्व में भी ये उत्तराखंड में एक बार SSB द्वारा उनकी अरेस्टिंग हो गई थी, तब वो 11 महीने जेल रही थी, उसके बाद वापस उसको यूएस भेज दिया गया था। तो किस संदर्भ में कैसे आई, इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। हमने FRRO कोलकाता को भी सूचित किया है, हमने जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में गृह विभाग में एक फॉरेनर्स डिवीज़न होता है उनको भी सूचित किया है, सूचित करने वाले हैं। और कॉन्सुलेट जनरल ऑफ US का कॉन्सुलेट जनरल रहता है कोलकाता में ऑफिस, उनको भी इस संबंध में हम उनको सूचना दे देंगे, तो बाकी जो अनुसंधान में आ जाएगा। अगर एज ए लीगल इमिग्रेंट वो हमारे देश में, तो इसके विरुद्ध फिर पासपोर्ट एक्ट में केस होगा। यदि जस्ट उसका कि पासपोर्ट एक्सपायर हुआ है, तो फिर उसको अपना देश जो उसका वर्तमान देश है US वहाँ डिपोर्ट किया जाएगा। अनुसंधान पश्चात सर महिला का क्या नाम हुआ, कुछ पता चल पाया? महिला का नाम है फरीदा मलिक। करंटली वो US है, करंटली वो US सिटीजन है, लेकिन पाकिस्तान में बॉर्न है, लेकिन वहाँ की उन्होंने नागरिकता छोड़ दी है, पाकिस्तान की नहीं है। सर मकसद पता चला किस मकसद से आया था? SSB ने हैंड ओवर किया।
एसएसबी पुलिस का ज्वाइंट टीम था उस पर बॉर्डर पे, तो उसने जब डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करने के लिए बोला गया तो वो नेपाल जाने के लिए उसके पास वीज़ा नहीं था, तो इस वजह से फिर उसको रोका गया ताकि डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे। तो डॉक्यूमेंट उनके कोई लॉयर हैं उत्तराखंड हाईकोर्ट के, उनसे डॉक्यूमेंट मंगा रहे हैं जो उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं, तो उसके पश्चात ही इसके निर्णय लिया जाएगा। यात्रा इलीगल इमिग्रेंट इनके ऊपर केस होगा, नहीं तो अगर सिर्फ वीज़ा नहीं इलीगल इमिग्रेंट नहीं है तब उनको डिपोर्ट किया जाएगा अपने कंट्री में यूएसए में। कैलिफोर्निया है, वहाँ भी डिटेल में नहीं दे पाया। अब तक करके हैं बताओ, सुना